As cases of Omicron has started to explode across the country, Odisha Health Services Director Bijay Mahapatra on Tuesday informed that a possible third wave could peak in Odisha by the end of February. Addressing the media, the top health official said that the first and second wave of COVID-19 hit Odisha 2 months later as compared to the other states. According to ICMR reports, if third wave arrives, then it will strike Odisha early and may peak by February end. Mahapatra also informed that the state is prepared as per government guidelines and the health infrastructure has also been strengthened to deal with the possible third wave. आपण मार्क करथिबे सब जाक पीक सर्ज रो 2 मास 2.5 मास परे हमरो पीक आसे किंतु एई जोटा वर्तमान तृतीयटी अछि तृतीय रो जो भळिया जणा पडछि आर गैप टा और कमी पारे जल्दी बहुत जल्दी आसी पारे काने आर ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत बेसी जेहेतु बहुत अल्प दिन रे एटा पीक टा जदि पीक आसुछि पीक आमे अप्रोक्सीमेटली कहिबा नै आमे आईसीएमआर तथ्य को भित्ति करी कहिबा समान जो 10 15 टी स्टेट रो रखिछन्दि समान कहउछन्दि फेब्रुअरी रो लास्ट वीक रे पीक हेइ पारे किंतु समस्त स्टेट मॉडल समान नुह तेणु विभिन्न जगह प्लस फाइव माइनस फाइव ये हवा कथा किंतु आमर शुणु आमर गोटे जिनस को आम एत डिस्कसन न करके गोटे जिनस को आखि आगे रखा आमर से ही तीन टी जिनस जमी वैक्सीनेशन बढ़ू द्वितीय जिनस सर्विलांस आम ठीक ठाक रहू तृतीय जिनस आम आम तरफ ट्रीटमेंट व्यवस्था केमती करा हम सरकार के निर्देश में कल भी मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिव्यू करते काम चली ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी न्यूज़।